बाड़मेर जिले के लीलसर गांव में बड़ी संख्या में हिरणों के शिकार मामले में वन विभाग ने एक शिकारी को गिरफ्तार किया है। उसके चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी गैंग बनाकर हिरणों का शिकार करता था और हिरणों के मांस को 200 रुपए किलो में बेच देता था। मुनाफा देखकर आरोपी ने 3 गैंग बना रखी थी जो अलग अलग गाँव और जगह जगह पर जाकर शिकार करते थे। टीम ने अब तक 7 जनों को पकड़ा है। वहीं 3-4 लोगों को ट्रेस कर तलाश की जा रही है। बाड़मेर जिले के लीलसर गांव में बड़ी संख्या में हिरणों के शिकार मामले में वन विभाग ने एक शिकारी को गिरफ्तार किया है। उसके चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। आरोपी गैंग बनाकर हिरणों का शिकार करता है और हिरणों के मांस को 200 रुपए किलो में बेच देता था। मुनाफा देखकर आरोपी ने 3 गैंग बना रखी थी जो अलग अलग गांव और जगह पर जाकर शिकार करते थे। टीम ने अब तक 7 जनों को पकड़ा है। वहीं 3-4 लोगों को ट्रेस कर तलाश की जा रही है। DFO सविता दहिया का कहना है कि सोमवार को सुबह सूचना मिली कि हिरणों का शिकार हुआ है। मौके पर गए, वहां पर 7 हिरणों के शव और कुछ अवशेष पड़े हुए थे। पुलिस और प्रशासन की मदद से कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। पूछताछ में सामने आया कि आईदानराम निवासी मांगता बड़े पैमाने पर मांस की आपूर्ति करता है। पूछताछ में कुछ ने कबूल भी किया है कि हम लोगों ने शिकार किया है। 7-8 जन हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। DFO ने बताया कि वन्य जीवों का शिकार करने वाले लोगों के कानून के तहत 7 साल की सजा है। पूछताछ में अभी तक ज्यादा कुछ जानकारी नहीं निकली है, लेकिन ये बताया गया है कि लोगों की मांस की डिमांड रहती है। 200 रुपए किलो के हिसाब से मांस सप्लाई कर रहा था। DFO ने बताया कि आरोपी ने 8-10 लोगों की गैंग बना रखी है। सारे स्थानीय लड़के हैं जिनको लालच देता कि एक हिरण पकड़ कर लाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। हिरण से लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसमें त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। जिस पर शक हो रहा है उसे पकड़कर पूछताछ की जा रही है। 3-4 लोग भागे हुए हैं जिनकी लोकेशन ट्रेस करके पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गैंग ही था तो उसके बाद हमने पुलिस और प्रशासन की मदद से कल काफ़ी जो संदिग्ध लोग थे उनको पकड़ा, उनमें से पूछताछ की। तो पूछताछ में ये सामने आया है कि एक आईदान नाम का मांगता गांव में रहने वाला आदमी है जो लार्ज स्केल पे ये मीट सप्लाई कर रहा है, और आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने कबूल भी कर लिया है। और 7-8 लोग अभी हमारे पास हैं जिनकी इंटरोगेशन अभी चल रही है। आओगे तो इतने पैसे दूंगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 7 साल की सज़ा है, क्योंकि ये शेड्यूल 1 एनिमल है चिंकारा, इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है और बहुत सारे लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाएँ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस केस में पूरी त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं और जिस पे भी शक है उसको, अब 3-4 लोग भागे हुए हैं जिनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करके हम उनको पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने माना है कि हम लगभग 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं और इसमें इनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था, तो अब ये क्या नेटवर्क इनका फैल रहा था। 3 गैंग्स की तो हमें सूचना मिल गई है, अलग अलग गाँव में अलग अलग जगह पे गैंग चला रहे थे, लेकिन अभी ये कहाँ सप्लाई कर रहे थे उसकी अभी जानकारी नहीं आई है, जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लीलसर और शेरपुरा सरहद में हिरणों का शिकार हुआ है, तो पहले SSO और CO मौके पर पहुंचे, उसी दौरान फॉरेस्ट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मैं और DFO मैन भी मौके पर पहुंचे थे। तो घटनास्थल निरीक्षण में करीब 9 हिरणों का शिकार करने की पुष्टि हुई थी और कुछ हिरणों के पास अन्य भी लोग पड़े थे, तो इससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती थी। तो ग्रामीणों का उसमें आक्रोश था और आक्रोश भी वाजिब था कि हिरणों का शिकार करना एक संवेदनशील मुद्दा है। उस दौरान हमें कुछ इनपुट मिले थे कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जो यहाँ शिकार करने आते हैं, उसके आधार पर हमने कुछ लोगों को दस्तयाब किया है और उनसे पुलिस विभाग की टीम के सहयोग के लिए हमारी पुलिस की टीमें मेरे नेतृत्व में ही हर संभव उनको सहयोग कर रही और पूछताछ भी की जा रही है और शीघ्र ही उक्त शिकारी और उक्त प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को डिटेन भी किया है? हाँ, उसमें जो संदिग्ध नाम आए थे उनको डिटेन किया, उनसे पूछताछ जारी। DFO के मुताबिक पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग करीब 1.5 साल से गिरोह चला रहे थे, इसमें मुनाफा ज़्यादा हो रहा था। अभी तक 3 गैंग की सूचना मिली है, अलग अलग गांव और अलग अलग जगह पर गैंग चला रहे थे, लेकिन अभी कहां पर सप्लाई कर रहे थे इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में वन विभाग की टीम ने 7 लोगों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें एक संदिग्ध ने हिरणों का शिकार करने के दौरान साथ होना स्वीकार किया है।
दरअसल लीलसर के पास दो ढोरों की पाल है जिसके बीच में कहीं किसी का नजदीक तक घर नहीं है। ऐसे में रात के समय शिकारी इस पाल के इलाके में विचरण करने वाले हिरणों पर रोशनी डालकर शिकार करते हैं, फिर इन हिरणों को एक जगह इकट्ठा करके मांस होटलों तक सप्लाई करते हैं। सोमवार सुबह 3 हिरण एक जगह पैर बंधे हुए मिले, वहीं 4 हिरण दूसरी जगह पैर बंधे हुए मिले। एक हिरण के बाल, सींग और मांस मिला है। ऐसे में 8 हिरणों का मांस वन विभाग ने बरामद कर डीप फ्रिज में रखवाया है।